नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण है, आज सपनों को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर किसी कल्पना के पास जाना चाहता हूँ, रात का अंतिम प्रहर है, झिलमिलाते सितारे हैं, वृक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे, वेग से बहता प्रभंजन, आंधी वेग से बह रही है, केशपट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उद्भी, बाप शून्य में भर रहा है, उर की रहस्यमयी पुकारे, इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में है प्रतिच्छायित, जहाँ पर सिंधु का हिल्लोल कंपन, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, लहरें बुला रही है, सागर आमंत्रण दे रहा है, आ जाओ। तट पर रहना सुविधाजनक है, कोई खतरा नहीं डूबने का, तूफानों का, आंधियों का, पर सागर की ओर जाना अर्थात खतरा मोल लेते। जब तक यहाँ खड़े हैं तब तक कंफर्ट जोन, सागर में छलांग लगाना अर्थात खतरे चालू, परंतु जीवन अर्थात ही संघर्ष, यहाँ बैठे रहोगे तो यही बैठे रहेंगे, जीवन गुजर जाएगा, परंतु छलांग लगाओगे तो क्या होगा, कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो नया होगा, कोई तो नया अनुभव आएगा। भारत में सिंधबाद की कहानियाँ हैं, सिंधबाद जहाजी सेलर क्या करता था, 7 समुद्र यात्राएं की उसने, हर समुद्र यात्रा में इतने संकट, इतने संकट, उसकी जान चली जाए ऐसे ऐसे संकट, और फिर जब वापस आ जाता था बहुत धन लेकर,
फिर सोचता था आज के बाद कभी भी ऐसा खतरा मोल नहीं लूंगा, क्योंकि बाल बाल बचा इस बार तो। इतने खतरे आए एक एक यात्रा में, पर कुछ मास गुजरने के बाद फिर बेचैनी। यह भी कोई जीवन है, सुख सुविधाओं से भरा। फिर से इच्छा, फिर से जाता था, फिर ऐसे ही खतरे, फिर आता था, फिर संकल्प अब नहीं जाऊंगा, फिर कुछ समय के बाद फिर जाता था। 7 यात्राएं की उसने ऐसी। तो जब तक यात्राएं ना हो तब तक सीखना भी नहीं होता है। जिन्होंने जितना ज़्यादा सहन किया है और संघर्ष सहा है, लड़ा है, वो अधिक अनुभवी है। तो कल हमने देखा यज्ञ इतिहास में एक क्रिटिकल पॉइंट कि जिसमें सारे पैसे खर्च हो गए थे और फिर भी जो निश्चय बुद्धि थे वो टिक गए। डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भगवान का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फेथफुलेस्ट। जो फेथफुल है, अत्यंत फेथफुल, केवल वही सर्वाइव किए, बाकी सब इधर उधर चले गए। ऐसे में एक संदेशी थी जो वतन में गई और वतन में उसने देखा कि बाबा की हालत बहुत ख़राब है, नीचे बेगरी पार्ट बहुत ख़राब, और वहाँ एक नवलखा हार रखा हुआ था। तो उसने कहा मुझे ये नवलखा हार चाहिए मेरे बाबा के लिए, मैं लेके जाती हूँ। शिव बाबा ने कहा लेके जाओ। वो नीचे आई, उसने आंखें खोली, कहाँ है हार? दीदी ने कहा शायद तुम ऊपर भूल गई, वापस जाओ। वो वापस गई, वापस आई, पर हार तो है ही नहीं। ट्रांस में जो हार दिखता है वो इधर थोड़ी होता है। ये कौन थी? उसी पर आज चर्चा करनी है। ये कौन थी? ट्रांस मैसेंजर कौन थी? जिसके चार जन्म हुए। कमल सुंदरी, करेक्ट। 4 जन्म। और एक दूसरी दादी है जिसके एक ही जन्म में 4 देखे उसने, 4 in 1। वो कौन है? 3 in 1 है या 4 in 1 है? बुक का नाम क्या है? 3 बाद नहीं याद। थोड़ा आगे पीछे जाएंगे क्योंकि ये बेगरी पार्ट से संबंधित एक स्टोरी थी, पर थोड़ा और पीछे जाते। कमल सुंदरी दादी जब वो यज्ञ में आई, वो बहुत यंग थी, 24 ईयर लगभग। जो भी डेट्स, फिगर्स, टाइमलाइन बताएंगे वो सभी लगभग 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 है। उसके 2 बच्चे भी थे साथ में, एक बच्ची थी 6 बरस की और उससे बड़ा एक उसका छोटा भाई, बड़ा भाई, और फिर पति विदेश था जैसे दिखाया है, सिंधवर की जो लोग थे। और वो जब आया वापस पवित्रता पर झगड़ा, और फिर वो बच्चों को लेके यज्ञ में आ गई। मोस्टली कराची में आई होगी, जहाँ हमने ये भी देखा कि बाबा अलग रहता था और वो सारे अलग, क्योंकि ट्रिब्यूनल ऑर्डर था कि तुम्हारा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये दिखाना है। इसलिए बाबा का क्लिफ्टन के पास था परिवार सहित, और बाकी लोग थे वो अलग अलग जगह पर थे, हाउस अरेस्ट। तो शायद वो इस पीरियड में आई होगी। फिर उसका पति आया और फिर वो ज़बरदस्ती बच्चों को लेके चला गया। वो स्टोरी वहाँ पूरी हो गई। ये लोग यहाँ आए और दादी कहती है कि मेरे एक ही जन्म में 4 जन्म है। कैसे? पहला तो शरीर का जन्म जो सबका होता है, शारीरिक जन्म। इस जन्म का इतना महत्व नहीं है, इसलिए वो कब हो रहा है उसमें भी ज़्यादा उत्सुकता ना हो। दूसरा जन्म है उसकी शादी हो गई, विवाह, स्त्री की शादी होना अर्थात तो उसका दूसरा जन्म, सब कुछ चेंज, नया परिवार, नए लोग, नई संस्कृति, नए रीति रस्म, सब कुछ नया, नया स्थान, नए सिद्धांत, नए संस्कार, नई मुसीबतें, जो भी है सब नया। ये दूसरा जन्म। तीसरा जन्म ईश्वरीय ज्ञान का जन्म। ये जन्म है अलौकिक जन्म, ये जन्म है मर्जीवा जन्म, ये जन्म है द्विज, ब्राह्मण अर्थात द्विज। क्राइस्ट ने कहा है दोज हु आर बॉर्न वंस दे विल डाई मेनी टाइम्स।
जो एक बार जन्म लेता है कई बार मरते रहेगा, पर जिसने दो बार जन्म लिया है उसके लिए मृत्यु नहीं है। नया जन्म हुआ है, अब नए जन्म में कैसे मृत्यु? भारत संस्कृति में उसको कहते हैं द्विज, ब्राह्मण अर्थात नया जन्म। और मृत्यु में क्या होता है, उस दिन क्लास में भी बताया था, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, कई बार स्मृति भूल जाता है, कई बार इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है तो। मृत्यु एक महाअपघात है, उसमें क्या हो जाता है, पुराना सारा भूल जाता है, डिलीट हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, क्या था कैसे था कुछ नहीं, इतना बड़ा एक्सीडेंट है मृत्यु। और ये जो नया जन्म है, मरजीवा जन्म, ये क्या है फिर, महामृत्यु। परंतु है क्या वास्तव में, पुराना सब याद, कुछ भी नहीं भूला, वो सारे संस्कार वैसे ही पड़े हुए हैं। हाँ, एक्सीडेंट थोड़ा चोट जोर से नहीं लगी, थोड़ा जोर से चोट लगनी चाहिए तो ही पुराना भूलता है। तो ये तीसरा जन्म, यही बहुत पावरफुल जन्म है। पर दादी कहती है कि मेरा एक चौथा जन्म भी है, जो बाकी किसी का भी नहीं, ओनली मेरा। वो संदेश ही थी दादी, देवता दादी कहते हैं इसको, कमल संतरी दादी को देवता दादी। अभी 2007 में शरीर छोड़ा, 96 एज में, 2007 में। तो ये जो जन्म है ये पावरफुल जन्म है, तीसरा, द थर्ड बर्थ, थर्ड बर्थ, यही पावरफुल है, होना चाहिए पावरफुल। ज्ञान का जन्म, स्वयं के ही गर्भ से स्वयं जन्म, ज्ञान के गर्भ से जन्म लेना, ये जन्म लेना अर्थात पुराना सारा डिलीट हो जाना चाहिए, पर हो नहीं रहा है या हुआ नहीं है, पूरा वैसे के वैसे याद है। रादर वो उभर उभर के इधर आता है और उधर खींचता है। चौथा है जो दादी को मिला, वो 1.5 मंथ अर्थात 45 डेज का। इस पर क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, 45 डेज। तो यहाँ पर सेपरेट कमरा, ना किसी से बात करना, ना किसी को सुनना, ना किसी को देखना, किसी भी अजनबी को नहीं देखना, ये दूसरा। तीसरा, भोजन ना के बराबर, दूध 1-2 चम्मच दिन में 1-2 बार बस, या फल थोड़ा बहुत वो भी नहीं। चौथा, सारे दिन भर कौन सी स्मृति, मैं शहजादी हूँ सतयुग की, वो स्मरण। और यहाँ का सब कुछ विस्मृत, ये संसार विस्मृत, यहाँ के लोग विस्मृत, उसके लौकिक रिश्तेदार मिलने आए वो भी वो पहचान नहीं पाई कौन है, यज्ञ के जो लोग थे रहने वाले जिनके साथ थी उनको भी नहीं पहचान पाई ये लोग कौन है, उसका खुद का नाम भूल गई, उसका खुद का शरीर भूल गई। ये 1.5 मास 45 डेज शी वॉज इन ट्रांस, एक स्टेज में थी। और इस दादी के लिए कहा जाता था कि दादी खुली आंखों से ट्रांस में जाती थी, मेरठ में थी बहुत समय, यहाँ पे भी रही तो मेरठ में रही, खुली आंखों से ट्रांस में। और सतयुग के जो राज खुले बहुत सारे वो दादी के द्वारा खुले, नाम ही उसका देवता दादी है। रास और सतयुग का वर्णन, और सतयुग में क्या क्या होगा, एक एक महल दिल्ली से जयपुर तक, एक एक महल होगा दिल्ली से लेके तो जयपुर तक, लाइट्स कैसे होंगे, हीरो के लाइट्स होंगे, सब देखा उसने। ब्रह्मा की आत्मा को कृष्ण बनते हुए, उसी कृष्ण की आत्मा को फिर चौथे जन्म में नारायण बनकर फिर गद्दी पर बैठते हुए, कृष्ण उसी की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा फिर चौथे जन्म में आके फिर नारायण बनते हुए और गद्दी पर बैठते हुए। कहते हैं दादी जब सतयुग का वर्णन सुनाती थी तो 2-3 घंटे 4 घंटे तो इतना सहज सुनाती थी, और जो सुनने वाले रहते थे वो सब पहुंच जाते थे सतयुग में, स्पेशलिटी गोल्डन एज। तो 1.5 मास दादी इस अवस्था में रही, या बाबा ने रखा। दादी कहती ये मेरा कौन सा था, चौथा जन्म था, फोर्थ बर्थ। यहाँ के सारे संस्कार जैसे लुप्त तो हो गए थे। और दादी ये भी बताती थी जो सामने आता था वो सतयुग में क्या बनने वाला है, शायद
कई लोग छुप जाते होंगे। लक्ष्मी नारायण जो है उनके कितने दास दासियां होंगे, लक्ष्मी की 25 दासियां, नारायण की 25 दासियां, दहेज में 25-25 दासियां, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का महल हीरे का, प्रजा का महल सोने का, और जो साहूकार जो दास दासी है उनके महल संगमरमर के। तो दादी को कहीं लेके गए थे कोई गवर्नर हाउस और सब लोग कहने लगे इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर संगमरमर का। दादी ने कहा वो दास दासियों के होंगे सतयुग में ही, इसके लिए मुझे इस संसार की कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि मैंने जो देखा है डायमंड के घर, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू। इसके लिए पूरा उस जीवन के बारे में तो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो और देखेंगे फिर कभी। दादी के जीवन की बहुत सारी बातें हैं, इकोनॉमी का उतार जैसे छोटी छोटी चीज़ों में इकोनॉमी, तीव्र पुरुषार्थी, सुबह उठना, या मतलब वो कई सारे बहनें जो उनके साथ रही मेरठ में वगैरह अलग अलग स्थानों पर, पहले दादी दिल्ली में थी कमला नगर जमुना का कंठा, और फिर वहाँ से 1958 में मेरठ गए, बाद में इधर भी रहे। 96 एज तक थे, किसी भाई का बेटा गुम हो गया था, कई साल हो गए मिला ही नहीं, कई कई साल हो गए, बहुत ढूंढा बच्चा मिला ही नहीं, कहाँ चला गया। दादी को पूछा क्या, दादी ध्यान में गई, दादी ने देखा दिल्ली में एक पुल के नीचे है वो, ढूंढो उसको, ढूंढा वो मिल गया। वही था वो रिक्शा। ऐसी कुछ कुछ कहानी है। तो दादी कहती है ये मेरा चौथा जन्म है, 45 डेज, डेढ़ मास लगभग ये पार्ट चला। जब दादी इसमें से बाहर आई, बहुत टाइम लगा इसमें से बाहर आने के लिए, फिर लोगों ने बताया कि आप कहाँ थी, उसने कहा मुझे पता ही नहीं है दुनिया का, कुछ भी पता नहीं, संस्कार ही परिवर्तन हो गए, इस दुनिया में मैं थी ही नहीं। हमारे भी 3 जन्म तो है, नहीं सबके नहीं। हाँ उसके 2। तो पहला जन्म तो शरीर का, इस जन्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना नहीं है, कितनी उम्र हो गई, बर्थडे कब है, कौन सा बर्थडे है, क्या हो रहा है, ये सब में बाबा कभी नहीं जाते थे ज़्यादा, ये सब चीज़ें तुमको याद नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा स्वधर्म आत्मा है, स्वरूप आत्मा है, आत्मा से संबंधित सारी बातें याद करो। जब बाबा यहाँ रहते थे तो बाबा दूध मंगाते थे, और दूध वाला आता था उरिया से, उधर से बहुत दूर से, और वो 9 बजे के बाद आता था, टाइम लेता था कभी इतना दूर से। तो विश्व किशोर भाऊ ने सोचा कि बाबा के लिए क्यों ना एक गाय हम ले ले, तो सिरोही गए, वहाँ से गाय लेके आए। तो जब गाय को लेने लेके जाने लगे तो गाय तो एकदम उधम मचाएगी उसने कि वो कैसे छोड़ेगी, वो मालिक को छोड़ने को तैयार नहीं। तो मालिक ने कहा मैं खुद चलता हूँ, तो सिरोही से मालिक गाय को यहाँ लेके आया आबू, माउंट आबू में, और उसने देखा कि गाय को अच्छे से बांधा वगैरह, और युक्ति से वो निकल गया, विश्व किशोर भाव ने खरीद ली गाय। और फिर आधी रात को गाय ने ऐसा धम चक्र मचाया, फिर भी उसको बांध के रखा, और सुबह उठ के जब देखे तो गाय गायब, गाय चली गई, गाय थी नहीं। तो बहुत ढूंढा कहीं नहीं मिली, फिर सबने सोचा माउंट में उस समय तो ये जानवर हिंसक प्राणी चीता वो सब थे, तो शायद इन्होंने खा लिया होगा। फिर तीसरा दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन वो जो गाय का मालिक जो था वो सिरोही से वापस ले गया, गाय कहाँ पहुँच गई, सिरोही। दूसरे दिन वाणी चली, तुमसे ज़्यादा अकल तो गाय में है, वो जानवर अपने मालिक को नहीं भूलती है, तुम अपने मालिक को भूलते हो, कैसे पहुँच गई होगी सिरोही, कितना लंबा रास्ता है सिरोही का, फिर किससे पूछा कितना, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर गाय पहुंच गई, देखो फर्स्ट टाइम पैदल। तो बाबा कहते वो गाय से ज़्यादा समझ, तुमसे ज़्यादा समझदार कौन है, अकल किस में, गाय में। तो आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वदेश तुम क्यों भूलते हो। तो ये 45 डेज में एक चीज़ हुई, संस्कार परिवर्तन, अर्थात संस्कार परिवर्तन संभव है, क्योंकि संसार में माना जाता है कि पर्सनैलिटी बदलती नहीं, चाहे 20 साल बाद कोई मिले वो स्वभाव वही रहेगा उसका, मर जाएगा पर स्वभाव नहीं बदलता, ऐसा कहते हैं, मर जाता है आदमी परंतु स्वभाव बदलता नहीं है।
इतनी कड़ी चीज़ है सुबह। पर यहाँ पर एक उदाहरण है कि जिसमें चलो ट्रांस हुआ जो भी हुआ, पर बदला तो सही ना, मतलब हो सकता है। तो ये था चार जन्म। दूसरा है निर्मल शांता दादी, उनके क्या कहते हैं, मेरे 3 in 1 है, 3 in 1 या 4 in 1, 3 in 1 कौन से? ये मेरा कौन है, लौकिक पिता, मेरा लौकिक पिता है। दूसरा मेरा अलौकिक पिता भी वही है, मेरा पारलौकिक पिता भी वही है, और जो मेरे 3 यहाँ है तो सतयुग में उसी की बेटी रहूंगी ना, तो वो मेरा सतयुग का भी तो बाप हुआ, इसलिए मैं क्या हूँ, 4 in, ये मेरा क्या है, 4 in 1। एक से सब कुछ, एक में सब कुछ, एक के लिए सब कुछ, एक की तरफ सब कुछ, एक के प्रति, एक में सब कुछ, एक में समाया। 15 मार्च 2013 में, 14 मार्च 2013 पुट्टू दादी ट्रॉमा हॉस्पिटल, शाम को 4 बजे के आसपास शरीर छोड़ा, और उसके अगले दिन सुबह 4 बजे निर्मल शांता दादी मुंबई अहमदाबाद स्टर्लिंग में शरीर छोड़ा। पुट्टू सबसे कितना नंबर के, पुट्टू कितना नंबर के है? सबसे पहला किशन, दूसरा कलावती जिसकी बचपन में ही शरीर छोड़ दिया था, तीसरा निर्मल शांता दादी, चौथा पुट्टू, पांचवा नारायण दादा, और छठवा सूर्या जो अभी भी जिंदा है, अभी भी मुंबई में है, 92 उम्र है अभी उनकी, बाबा की बेटी अभी भी है। तो पुट्टू ने शरीर छोड़ा 14 तारीख, और निर्मल शांता दादी ने उसके अगले दिन सुबह सुबह, दोनों एक साथ, तो बच्चा भी एक ही है सूर्य। तो दादी के हैं 4 in 1। अब आते हैं वापस, तो ये 2 महान हस्तियां हैं इस यज्ञ की, जिनका जीवन त्याग तपस्या से भरा था, इकोनॉमी, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, और जो भी चीज़ मिले वो सब मधुबन के लिए। दादियों का सेलिब्रेशन हुआ था 70 ईयर्स, सभी दादियों को स्टेज पे, और एक एक दादी को बहुत सारी सौगातें दी थी, कमल सुंदरी दादियों दादी को भी बहुत सारी सौगात दी, फिर वो सौगात को लपेट के सब उनके कमरे में दे दिया। सारी बहनें आई, कहने लगी हम ले हम ले, क्या है क्या है, दादी ने कही ये मधुबन का है, मधुबन को जाएगा, अपने लिए कुछ भी नहीं। लास्ट तक ये स्थिति, त्याग वृत्ति, निरंतर त्याग वृत्ति। सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठने का जो नियम था वो हमेशा रहा, और जब 3:30 बजे कोई भाई वो गीत बजाता था ना, तो वो कभी भूल जाता था तो दादी खुद आ जाती थी अपनी खड़ाऊ पहने बजाते हुए, और सबको उठा देती थी, जागो जागो, ट्रैफिक कंट्रोल। तो एक एक दादी जो इस यज्ञ में थी, उनके जीवन में बहुत तपस्या भरी हुई है, जो फाउंडेशन है निश्चय का इतना स्ट्रांग है नीचे से, बहुत स्ट्रांग, इसके लिए कभी हिले ही नहीं ये लोग, उनका निश्चय कभी नहीं हिला। तो वापस आते हैं 45 डेज, अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हो गई हिस्ट्री, ये तो हो गई स्टोरी, अब हमें कुछ करना है। तो इस भट्टी का आज का कौन सा दिन है, 52, कितने दिन पूरे हुए, 51, लंबा समय है। तो इस भट्टी की शुरुआत में हमने कहा था 3 नियम हैं, 3S, कौन कौन से कमलेश भाई, स्वाध्याय, एक भूल गया बाकी 2 याद है, स्वाध्याय, दूसरा सुबह की तपस्या, अमृत वेला, जो अशरीरीपन अमृत वेला अनुभव होता है वो सारे दिन पर नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। और तीसरा बताया था SFV, सॉलिड फूड वैकेशन, और जिन्होंने ये किया होगा और कर भी रहे हैं तो उन्होंने ये देखा होगा कि ये बड़ा मुश्किल काम है, और कईयों ने थोड़े दिन करके छोड़ दिया होगा, कईयों ने चालू ही नहीं किया, ये छोड़ के बाकी सब हम करेंगे, ये झंझट में जाना ही नहीं है, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। परंतु उस समय तपस्या वो थी, और आज की तारीख में यदि तपस्या पूछे कौन सी है तो वो एक ही है, भोजन, बस। उस समय वो कॉल ऑफ टाइम था, अभी ये कॉल ऑफ टाइम है, क्यों, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी चेंज करनी है तो उसका एक ही सिद्धांत है, भोजन परिवर्तन,
भोजन परिवर्तन होते ही विचार परिवर्तन होने लगते हैं अपने आप, इतनी उसमें पावर है। और ये यात्रा में हर एक ने अपना अनुभव देखा होगा कि क्या क्या हुआ, जिसने थोड़ा भी किया होगा, थोड़ा सा भी, उसको थोड़ा तो अनुभव हुआ होगा, हल्कापन तो लगा ही होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा हल्का सा झटका। पर प्रलोभन इतने हैं, क्या करें, प्रलोभन तो और ज़्यादा आते तब, तो फिर प्रलोभन की वजह से फिर उसको फिर छोड़ दिया, और उसकी हमने चर्चा भी नहीं की, उसको तो और ही ज़्यादा अच्छा लगा फिर कि ये भूल गए अब। 45 डेज बड़ा अच्छा नंबर है, तो हमने ये 100 दिन का कहा था, पर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो आज से 45 डेज, ठीक है, जिन्होंने कई कारणों से ये नहीं कर पाए, ढेर सारे कारण थे, उनकी हम लिस्ट नहीं गिनाएंगे कौन कौन से कारण थे और क्यों क्यों नहीं कर पाए, पर बहुत सारे कारण थे और बहुत जेन्यून कारण थे उनके। अभी ये सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, 45, तब तक पूरा हो जाएगी भट्टी। तो 45 डेज लिक्विड्स जो है, हमारा शरीर गैसेस से बना हुआ है और शरीर को बहुत काम करना पड़ता है, जब उसमें सॉलिड डालो तो उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में बहुत एनर्जी जाती है शरीर की। ये सारा उद्देश्य है, इस प्रोसेस को थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि हमें काम बहुत सारा करना है, इतना सारा चिंतन का काम, इतना सारा अध्ययन का काम, पढ़ाई, कल की मुरली में था ना, तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। बहन जी कह रहे थे ना कच्छ में कुरुम, ये है किसका एग्जाम्पल, ब्राह्मण का, किताब चाहिए, कई लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर चुके, कच्छ में मोबाइल, अच्छा अभी ऐसा है। सबसे पहला तो इसमें फायदा ये है कि डिहाइड्रेशन नहीं होता है क्योंकि आप पीते रहते हो, एक, दूसरा कॉन्स्टिपेशन कम होता है, तीसरा न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, स्किन अच्छे से डिहाइड्रेशन रहता है, और आइज साइट, पैसा कम खर्च होता है, पर्सनैलिटी चेंज होती है, एनर्जी सेव होती है, अलर्टनेस बढ़ती है, नींद की रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाती है। नहीं तो अनाज खाते ही, सबने अनुभव किया होगा, चार रोटी खा लो उसके बाद में अच्छी सी नींद आ जाती है एकदम, ब्रेड खा लो नींद आती है, एक नशा सा रहता है, चावल खा लो पूरा दोपहर में, उसके बाद में कहो एक घंटे के बाद तुम्हारी सेवा है, ऐसा लगता है क्या करें ये सेवा, दुखी होते हैं, ऐसा लगता ना उठे, अलर्टनेस, एनर्जेटिक, लेजीनेस चली जाती है, बीमारियां ठीक होना वो तो अच्छा, मेडिटेशन बढ़ जाता है, वर्ड्स में पावर आ जाती है, स्लीप मैजिकल हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, याद रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, और सबसे मेन तो हमें काम बहुत सारा करना है, और एक नया अनुभव है, और ये एक तपस्या है। इसके चार सिद्धांत तो बताए थे, कौन कौन से, लिक्विड एरियन जर्नी के क्या क्या ले सकते, एक तो क्लियर वाटर, नारियल पानी, पानी, दूसरा बताया था जूसेस, सारे जूसेस, फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस, तीसरा स्मूदीज, जिसको लेना है वो भले चालू है तो चालू रखो, अच्छा। स्मूदीज सबसे बेस्ट ऑप्शन है, स्मूदी अगर ले लो दो बार तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, और अलग अलग नमकीन स्मूदी और स्वीट स्मूदी, दो प्रकार की स्मूदी बनाओ, और तीसरा चौथा है सूप्स, जितना हो सके ग्रेन्स को ना के बराबर रहना है, जो मोटे हैं वो अपने आप पतले हो जाएंगे और जो पतले थे वो मोटे हो जाएंगे, अगर देखो कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये जर्नी में एक याद रखना है कि वेट मेंटेन रहे, परंतु जिसका ज़्यादा है वो पहले कम हो जाए, और जिसका कम है वो और कम ना हो, वो मेंटेन हो जाए धीरे धीरे, एक स्टेज ऐसी आएगी ना घटेगा ना कम होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा आप, और एक स्वराज्य अधिकारी की अवस्था, क्योंकि शरीर में केवल हम शरीर लिक्विड से बना है, हम केवल लिक्विड रहे, और वो जो खाऊं की आदत है उस पर अटैक होगा, क्योंकि हमारे भोजन करने की आदत सबकॉन्शियस माइंड की आदत है, हमको भोजन क्या देता है, सुख देता है, प्लेजर देता है, एक संवेदना क्रिएट करता है, वो एडिक्शन उस संवेदना का है ना कि भोजन का वास्तव में, तो हम धीरे धीरे उस संवेदना से का प्रति जो एडिक्शन है उससे मुक्त हो रहे, और जिसका भोजन में रूपांतरण हो गया उसके पर्सनैलिटी में रूपांतरण होगा, जो काम वासना उसको छोड़ नहीं रही है, सब कुछ कर लिया, सारे सामान ले लिए, फिर भी नहीं बदलता है, फिर भी वो विचार ख्याल आते रहते,
चेंज द डाइट, अपने आप चाहते हुए भी नहीं आएंगे, ऐसे पावर है इसमें, इतनी शक्ति है भोजन के रूपांतरण में और प्रकृति से जुड़ना है। तो अगले 45 डेज जिन्होंने अभी तक नहीं किया, या ऊपर नीचे हो गया, या गड़बड़ हो गया, या बिल्कुल घर वाले एकदम ही नाराज हो गए और वजन एकदम ही घट गया, वो वापस से रीस्टार्ट करेंगे इस यात्रा को 45 डेज। आज का डे वन, स्मूदी बहुत अच्छा ऑप्शन है, सब कुछ उसमें। जिसका वजन कम है उसको बढ़ाना है तो केला लो, खजूर लो, नारियल लो, मूंगफली लो, ये सारी चीज़ें करो। ड्राई फ्रूट्स लो, भिगो के उसको उसमें डालो, आलू ले लो उसको डालो, कच्ची घानी का तेल वो ले लो, कुछ भी, पर वेट एकदम लो नहीं होना चाहिए। जिसका पहले ही 50 है और अभी 35 हो गया, अब उसको बढ़ाओ। बट जिसका पहले ही ओवर वेट है उनका अपने आप कम होगा। वेट की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, बात है यहाँ चेतना की। यहाँ रूपांतरण होगा, यहाँ परिवर्तन आएगा और टाइम बचेगा बहुत सारा, क्योंकि हमें अभ्यास कितना करना है, अध्ययन कितना करना है। रोज की मुट्ठी तो है ही, और ये दूसरा अध्ययन तो है ही, और लौकिक का जो है वो है, कितनी सारी चीज़ें, टाइम कहाँ है? अगर खाने पीने में और पचाने में और जाने में ही टाइम जा रहा है, अध्ययन कब करेंगे, अभ्यास कब करेंगे? इसलिए और बीमारियाँ आती है वो अलग, इसमें सबसे पहला काम होगा बीमारियों से मुक्ति। सब बीमारियों से धीरे 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 शरीर डिटॉक्स होने लगेगा, सब टॉक्सिन शरीर से बाहर अपने आप। हाँ, वो तो वैसे भी जाना ही है, तो क्यों ना हेल्दी होकर जाए। ये भी एन्जॉयमेंट ही है, ये एन्जॉयमेंट ही है, इसमें बहुत एन्जॉयमेंट है। सारी जो है खेल यहाँ का है, एडिक्शन है वो। फूड इज़ अवर ग्रेटेस्ट एडिक्शन, सतयुग से चालू है। उस पर जब तक आक्रमण नहीं करते तब तक चेतना हिलती नहीं है, बाकी अपने अपने कंफर्ट जोन में है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे गहरा एडिक्शन, सबसे ज़्यादा चीज़ हमें जो शरीर से जुड़े हुए है वो है भोजन। जैसे ही उस पर आक्रमण करते पूरा तिलमिला जाता है, सारा शरीर, सब कुछ, और उस भूकंप की अवस्था में नए संस्कार के बीज डालो जो भी है, परंतु बहुत सोच के, बहुत समझ के, युक्ति से इसको करना है, धीरे धीरे करना है, पर करना है, ठीक है? क्योंकि वो जो कुक्ड का एडिक्शन है वो भयंकर है। कुक्ड, एक बार खाया कि बस वो खाने की इच्छा होती रहती है, दिन रात भोजन का ही चिंतन चलते रहता है। इसमें एक है, भोजन का चिंतन ही ख़त्म, क्या खाने वाले दोपहर में, उसका कोई सोच नहीं। और जो पूरा परिवार ही अगर करते हैं उनके लिए तो गैस ही बंद है, फायरलेस किचन, बर्तन, सफाई बहुत आसान, पैसा एकदम ज़्यादा खर्ची नहीं है। वो तेल लाओ, वो अनाज लाओ, दूध और ये कितना सारा जाता है उसमें, गैस और वो पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, एग्जॉस्ट और थकान और वो टेस्ट। और दूसरी एक चीज़, कुक्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कुक्ड खाने के बाद कभी संतुष्टता नहीं होती, अतृप्ति का भाव निरंतर बना रहता है। पनीर की सब्जी खा ली, सब खा लिया, 4 घंटे के बाद लगता है कोई बची हुई है कि थोड़ी सी तो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए कभी। दूसरा, पेट हमेशा भारी रहता है। तीसरा, मन भारी रहता है। चौथा, उसमें वैरायटी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4 दिन पनीर दिया तो 5वें दिन पनीर से तृप्त हो जाएंगे, नहीं, आज दूसरा कुछ चाहिए। पर SFV में, सॉलिड फूड वैकेशन में, वो नहीं है। रोज एक ही खाओ तो भी कुछ नहीं, 1 महीने से वही स्मूदी चल रही है, सेम, कोई चेंज नहीं, पर कोई फीलिंग ही नहीं आती है कि कुछ नया चाहिए। कुक्ड में वैरायटी की इच्छा बढ़ जाती है, कुक्ड में। और दूसरा, कुक्ड में ओवर ईटिंग होता है अपने आप। आप 4 रोटी दे दो और वो खा लिया, उससे रुकता नहीं है। हाँ, उस यहाँ भूख से मुक्ति है एक रीति से देखो तो, अपने आप भूख के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती। यहाँ बहुत भूख लगती है, बहुत खाने की इच्छा होती है और बार बार खाने की इच्छा होती है। तो ये सारी बातें हैं, दिस आर सम ऑफ द। और इनडाइजेशन वो अलग, और इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो भोजन के टाइप पर है कि कम खाए कि ज़्यादा खाए, कभी बहुत ही खा लिया, कभी कम खा लिया, कोई टाइम टेबल ही नहीं है उसका। कभी बहुत पसंद वाली चीज़ है तो बहुत, तो कुछ ना कुछ होता है उसमें, फ्लक्चुएशन से चित्त, भोजन में फ्लक्चुएशन अर्थात मन में। एक रस भोजन जब हो जाए अपने आप क्या हो जाता है, मन भी एक रस होने लगता है अपने आप। तो ये पहला सिद्धांत 45 डेज। दूसरा बताया था स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात पढ़ना। जो बातें हम यहां सिखा बता रहे हैं
ये कोई एक किताब की नहीं है, ये कोई एक जगह कहीं पर भी लिखी नहीं है, और उस क्रम से तो बिल्कुल भी लिखी नहीं है जिस क्रम से हम बता रहे हैं। ये एक एक टॉपिक के लिए कम से कम 5 या 6 घंटे का अध्ययन है, उसके सिवा ये बोला ही नहीं जा सकता। मतलब इसलिए नहीं कि वो पता नहीं, पता है, पर उसको जो डाले कब अब, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहीं कहीं नहीं है। हर एक दादी ने अपने अपने अनुभव बताए, अपने अपने रीति से, अपने अपने अलग अलग ऑडियंस को, और कहीं कहीं तारीखों में अलग अलग है। तो स्वाध्याय अर्थात अध्ययन, एक स्वाध्याय अर्थात अपने आप को साक्षी होकर देखना, स्वाध्याय अर्थात संवेदना को साक्षी होकर देखना, इस ड्रामा को साक्षी, वो भी स्वाध्याय है। और तीसरा बताया था सुबह की साधना। लोग पूछते हैं कि नींद कैसे कम करे, सुबह कैसे जल्दी उठे। नींद पर काम करना ही नहीं है, नींद साइड इफेक्ट है कम हो जाना। सारा काम किस पर करना है? भोजन पर। जब ये कम हो जाएगा अपने आप 2-3 घंटे हो गए अपने आप आँख खुल जाएगी। और जो जितना भारी भोजन लेगा आँख खुलने का तो सवाल ही नहीं, जबरदस्ती मर मर के ड्रैग, ये अवस्था है उसमें। तो ये 45 डेज की साधना आज से चालू करेंगे फिर से। जैसे कमल सुंदरी दादी 45 डेज इस संसार से बाहर रही, एकदम बिल्कुल इतना सा खाया और फिर भी शरीर स्वस्थ रहा, शरीर स्वस्थ रहा। लोगों को चिंता थी इतना बड़ा शरीर इतना सा खा रही है कैसे होगा, खाने से ही तो बीमारी आती है सारी। वी ईट टू लिव, वी ईट टू डाई। हम खाते हैं जीने के लिए, हम खाते हैं मरने के लिए। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है एक। जैसे ही भोजन में परिवर्तन होता है, विचारों में और शरीर के पूरे केमिस्ट्री में परिवर्तन होने लगता है, केमिकल रिएक्शंस चेंज होने लगती है, सेल बायोलॉजी बदलने लगती है अपने आप। मेडिकल साइंस भी इसको अभी धीरे धीरे समझ रहा है, आ रहा है यहाँ तक कि यह क्या है, क्योंकि मेडिकल साइंस को प्रूफ चाहिए हर चीज़ का। तो हजारों लोग हैं जो ये कर रहे हैं SFE, और जिन्होंने प्रूव करके बताया कि लुक एट दिस, वी आर सो हेल्दी। पहले ये एनर्जी थी, जो रनर स्पोर्ट्स पर्सन लोगों ने मैराथन रन किए बहुत अच्छी, दे आर सो हेल्दी। हमने खुद 10 मैराथन कंप्लीटेड, सेल्फ सोलो, किसी कंपटीशन के लिए नहीं, खुद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अलग अलग, यहाँ से कभी अचलगढ़, यहाँ से गुरु शिखर, कभी अचलगढ़, वहाँ से वापस देलवाड़ा, 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन, नॉट फुल, फुल अभी करना बाकी है, करेंगे। तो क्योंकि, और हमने ये देखा है उसमें कि अगर खा लिया है रात को फिर पेट दुखता है दौड़ते दौड़ते, अगर सॉलिड खाए फिर रुकना पड़ता है बीच में। पर अगर शरीर में जितना कम है उतनी एनर्जी ज़्यादा है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, और जैसे कुछ डाला एनर्जी डल, नींद 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 भारीपन जड़ता हेवीनेस, इसके लिए शरीर में वो डालो जो लाइव है, जो प्राणिक है, जिसमें सन ट्रैप्ड एनर्जी है, जो फ्रेश है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलड्स है, जो रॉ है एज इट इज, उसमें बहुत पावर आती है। ठीक है, तो आज से 45 डेज की साधना चालू, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक नार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक नार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है,
सुनो इतिहास कहता है पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण, उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।